गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे। हमने उसमें पढ़ा कि हम किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए उस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर का है जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपना फेयर या म्यूनिसिपल वैल्यूशन लेते हैं, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, दिस और दिस दोनों में से जो भी कम होता है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है, स्टेप वन। फिर हमने रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लिया था एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इसे माइनस करके रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया, जो भी आया है ना उसे हम कंपेयर करेंगे स्टेप वन से। वन और टू में से जो भी ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, टूवर्ड्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर लेकिन इसमें अगर कोई भी रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड है, आपका मकान साल में थोड़े भी समय के लिए खाली रहा, तो आप उसे माइनस कर दीजिए। फिर आपका जो आता है दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि सकल वार्षिक मूल्य। फिर इसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे, अगर ओनर ने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो आप उसे लेस कर देते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड के हों, इट डजेंट मैटर, लेकिन उनका पेमेंट होना चाहिए। हमारा जो आता है दैट इज़ एनुअल वैल्यू। बच्चों ये जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, ये सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर, इतनी चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम देखिए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में उसने हमें क्या दिया है, श्री हरि इज़ द ओनर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो 20 और 21 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए हमें इसमें क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें ई एफ जी एच चार दी हुई हैं हाउस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, फेयर रेंट है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, देन स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, अज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड इन केस ई। ध्यान से देखिए, अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 प्रीवियस ईयर है इसमें, तो उसमें हमारा अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है। और हम ये मान लेते हैं, मैंने आपसे जो अनरियलाइज रेंट की कंडीशंस डिस्कस की थी वो रूल 4 को बिलोंग करती हैं, तो रूल 4 की सारी कंडीशंस हम मान लेते हैं कि फुलफ़िल हो गई हैं, यानी कि आप उसके ओनर हैं, आपने अपने टेनेंट से, किराएदार से किराया वसूल करने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन या उसके खिलाफ अगर कोई लीगल एक्शन की ज़रूरत थी तो वो भी आपने ले लिया है, लेकिन अब अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप उससे अपना रेंट रियलाइज़ कर सकें, तो फिर उस कंडीशन में आप उसे यहाँ से लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड इन केस ई। केस ई की कंडीशन में रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये है कि ई की कंडीशन में हम इसे माइनस नहीं करेंगे, बाकी में कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम चारों हाउस प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लेकर कॉलमनर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी, तो देखिए बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चार हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों के लिए हम कॉलमनर फॉर्म में वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ई एफ जी एंड एच, और यहाँ पर उनके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, स्टेप वन में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है। तो हम ले लेते हैं स्टेप वन, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस एक्सपेक्टेड रेंट के लिए सबसे पहले मुझे लेना है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, विच एवर इज हाई। ओके, सो ए में मैंने लिया फेयर वैल्यू
और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच इज हाई। देखिए साफ साफ दिख रहा है ई के लिए वैल्यू है 84 एंड 72, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? 84,000, तो मैंने इसमें ले लिया ई के लिए 84,000, ठीक है। एफ के लिए है 60,000 एंड 72,000, 72 ज़्यादा है 72 ले लीजिए। जी के लिए है 72 एंड 84, 84 ज़्यादा है 84,000, और एच के लिए 60 एंड 72, दोनों में से ज़्यादा है 72, तो 72 ले लिया, ठीक है। बी स्टेप में हमें लेना है अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में मेंशन है तो बी में देखिए आप स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में जो हमें मेंशन है हम एज इट इज इसे लिख देते हैं चारों के लिए 60, 54,000, अंडरस्टूड है बच्चों, है ना, 90 एंड द लास्ट वन इज 72,000, ठीक है। फिर सी में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, ए और बी विच इज हाई, 60, दोनों में से कौन सा ज्यादा है? ज्यादा वाला होगा क्या? नो, दोनों में से कम वाला होगा, ए और बी विच एवर इज लेस और लो, दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो देखिए इसमें से हमारा कितना आएगा, 60,000, 54, देन 84 एंड देन 72। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है ना ए में हमने जो निकाला ये किसी भी कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट एक लिमिट हो गई। अगर ये इससे स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो उसे हटा दीजिए, स्टैंडर्ड रेंट लिख दीजिए, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो वेल एंड गुड, हम उसे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो इन दोनों में से देखिए दोनों में से कम कौन सा था, स्टैंडर्ड रेंट 60 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ऊपर इसका वैल्यू, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसमें दोनों में से कम 54, 84 एंड 72, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट के बाद रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में हमें रेंट रिसीव्ड और दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम स्टेप टू लेते हैं, एक्चुअल रेंट पर एनम एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लेस करके लिख दें इसको। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बच्चों की जो ई वाला केस है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड रेंट के लिए रूल 4 को प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम वहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट लेस नहीं करेंगे, ओके। तो वहाँ जितना एक्चुअल रेंट है हमारा कितना था, एक्चुअल रेंट 72,000, एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर कॉपी कर देंगे 72,000। इसमें आपको मैं याद रहे इसलिए लिख देती हूँ, अनरियलाइज्ड रेंट नॉट डिडक्टेड, है ना, क्योंकि उसने ये रूल फॉलो नहीं किया। देन उसके बाद एफ के लिए देखिए, एफ के लिए उसका एक्चुअल रेंट है 72,000 और उस पर उसका अनरियलाइज रेंट है 24, तो 72 माइनस 24 कितना हो गया, 48,000, ठीक है। देन उसके बाद देखिए 90,000 में से 7500 लेस कर दें, यानी कि 82,500, और लास्ट है हमारा 96,000 एंड 16,000। बस बच्चों एक ही पैटर्न पे करना है, आपने एक सॉल्व किया बाकी को आपको एज इट इज सॉल्व करना होता है, है ना। तो ये हमारा स्टेप टू आ गया। स्टेप थ्री में हम क्या लेते हैं, 1 और 2, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज हाई। तो स्टेप थ्री देखिए, अब इन दोनों में से देखिए कौन सा ज़्यादा है। स्टेप वन में 60 था, स्टेप टू में 72 था, दोनों में से ज़्यादा है 72,000, तो दैट इज़ 72,000। 54 और 80, जो हाई वाली वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर ले ली है। अब जो ये है बच्चों, चूंकि इसमें वैकेंसी पीरियड का कोई रेंट तो है ही नहीं, ऐसा उसने हमें दिया ही नहीं है, पर एनम दिया हुआ था हमें रेंट, एक्चुअल रेंट, तो सीधा सीधा ये हमारी क्या हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। तो
तो विच एवर इज हाई दैट इज, मैं इसको दोबारा लिख दूँ, आप चाहें तो इसमें स्टेप फोर करके लिख सकते हैं, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। वैसे आपको यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने खुद पर एनम दिया है, लेकिन आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है। अब जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही वैल्यूज हैं 72,000, 54,000, 84,000 एंड 80,000, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है? बच्चों अब आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, है ना, इसका बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसे अच्छे से लर्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस आपकी बुक के एग्जांपल्स करेंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्रॉब्लम इस पर बेस्ड करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारी डिडक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो आई होप तब तक आप इसे कंप्लीट कर लें। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।